भीमसेनी एकादशी, एकादशी तो 12 महीना में 24 ठी होते, मल मास में 2 ठी होते करके 26 ठी होते एकादशी है। बाकी भीमसेनी एक नाम से हर विख्यात हुई कि भीमसेन जो रही सावे वो कहीस कि मैं हर महीना के लिए तो रह सकव नहीं, कोई एक मूला बतावा तो एक में अले बताए रही हवें कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन रही वही हर भीमसेनी एकादशी कहा है। वो दिन सुबह ले लेके रात तक और रात से लेके फिर सुबह तक, सूर्योदय से सूर्योदय तक जल ग्रहण भी नहीं करें, वो हर उपवास है होकर एकादशी के। अब इंसान जो है 12 महीना रथन करके एक आध बार फरहार वगैरह भी कर लेते, ए दारी जो हवे भीमसेनी एकादशी 2 दिन ले बताया हवे सोमवार मंगलवार, तो सोमवार के सुबह सूर्योदय में पहुँच नहीं पाते और मंगलवार के सूर्योदय में है, ओकरे नाम से भीमसेनी एकादशी मंगलवार के ही रही। मनुष्य जो है साल भर तक एकादशी जे नहीं रह सके और केवल एक दिन एकादशी ले भीमसेनी एकादशी ले रहते ओकर बर ओकर साल भर के जतका पुण्य वाला प्राप्त हुई उतके वाला एक दिन के में पुण्य प्राप्त होते, मगर उतके है कि वो दिन निर्जला टाइप के रहना चाहिए बिना जल लिए, तब वो ठीक है। सूर्योदय से सूर्योदय तक रहना चाहिए उपवास ल। वो दिन भगवान विष्णु जी के सांगोपांग पंचामृत से स्नान कराना, तुलसी पत्ती चढ़ाना, भगवान ल जतका अपन से हो सके अच्छा अच्छा चीज़ जो व्यवस्था हो के चंदन गुलाल धूप दीप सब दिखा के पूजा करना चाहिए भगवान विष्णु जी के, और लक्ष्मी नारायण अगर हैं साथ में तो औ अति उत्तम है, नहीं तो केवल विष्णु के प्रतिमा को दिन पूजा करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी जो हवे 26 एकादशी में एक भीमसेनी एकादशी ऐसा है, एक तो कड़ा धूप रथे वो माँ ऊपर से जल बिना रह रथे तो ओकरे नाम से ओहर सबसे ज़्यादा मैंने कड़ा कहा है। पुण्य पुण्य के लिए तो बहुत बड़े चीज है, लेकिन मनुष्य रह सकें ते घर भर रहना चाहिए। प्रेम से बोल दो विष्णु भगवान की जय।